अभी हम निकल चुके हैं डोसवाड़ा से नेक्स्ट लोकेशन पे, और हम जाएंगे बंदरपाड़ा, और बंदरपाड़ा से हम जाएंगे इचकिया, जो सूरत से करीबन 100 किलोमीटर होगा। तो वहाँ जाके हम दिखाएंगे आज जो या वहाँ का जो लोकेशन है वो दिखाएंगे, और वहाँ का क्या क्या लोकेशन है, किस तरह का व्यू है, चलिए वहाँ जाके देखते हैं। और वहाँ जाके ही पता चलेगा किस तरह का वहाँ का लोकेशन है, और वहाँ हम पूरा डिटेल के साथ दिखाएंगे कि आप अगर घूमने आते हो तो है किस तरह की जगह है वहाँ दिखाएंगे। चलिए व्यू के साथ बने रहिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइबर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे। आप देख रहे हो, अगर आप कपल को वहाँ भी बिठा के आप वहाँ से फोटोशूट कर सकते हो, और अगर आप घूमने भी अगर आए हो तो वो भी यहाँ घूम सकते हो। पर ज़्यादातर यहाँ फोटोशूट के लिए सब लोग यहाँ पे आते हैं, तो ये बहुत ही अच्छी तरह से आप देख रहे हो, बहुत ही अच्छा है यहाँ का व्यू देखिए। तो अभी पानी बहुत ज़्यादा नहीं है, वरना तो ये बहुत सारा यहाँ पर पानी भरा रहता है, मतलब यहाँ तक। तो चलिए थोड़ा हम नीचे जाके दिखा देते हैं, यहाँ पे कुछ लोग भी आए हुए जो फोटोशूट कर रहे हैं, सब प्री वेडिंग भी फोटोशूट कर रहे हैं। और ये हमारा सचिन है और सुनील भाई, तो यहाँ भी हमने कुछ इमेज ली है। पहली बार हम जो प्री वेडिंग शूट करने आए थे तो यहाँ भी हमने इमेज ली थी। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा है, अभी तो पानी कम है, यहाँ तक पानी रहता है। तो गाइस ये यहाँ का जो लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। तो गाइज आप देख रहे हो यहाँ पे जो अभी बारिश कम है उसकी वजह से जो यहाँ पानी है बहुत ही कम है, वरना ये जो रिज है यहाँ से बेहतर रहता है पानी। और पहले भी हम यहाँ फोटोशूट करने के लिए आए हैं, और यहाँ भी फोटोशूट बहुत लोग सूरत से भी आते हैं और बाहर से भी आते हैं, और बहुत सारी जगह से यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं प्री वेडिंग शूट करने के लिए। तो आई थिंक के ये जगह बहुत ही बेस्ट है प्री वेडिंग फ़ोटोशूट के लिए, और प्री वेडिंग आप वीडियो शूट करना चाहते हैं तो भी ये बेस्ट है, लोकेशन है बहुत ही अच्छा है। और हमारे साथ सुनील भाई है, सुनील भाई आप पहले भी यहाँ आ चुके हो, तो कैसा लगा आपको ये लोकेशन, कैसा है? हाँ मतलब अभी, हाँ तो मतलब ये अभी बारिश, हाँ तो पूरा पानी भरा हुआ था, पूरा पानी। तो पहली बार जब हम यहाँ आए थे शूट करने के लिए तो ये पूरा पानी था, वो पूरा यहाँ तक भरा हुआ था। तो ये अगर पानी होता तो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से ये दिखाई देता। तो आई थिंक थोड़ा बारिश कम है उसकी वजह से लोकेशन थोड़ा, अगर ज़्यादा बारिश होती तो बहुत ही अच्छा होता। चलिए थोड़ा हम अंदर जाके भी यहाँ पर दिखा देते हैं। देखिए तो इस तरह से यहाँ पे, इस तरह का यहाँ पे लोकेशन है, तो ये लोकेशन बहुत ही अच्छा है,
अगर आप फोटो शूट करने के लिए आ रहे हो तो ये बेस्ट है। यहाँ पे जगह भी आप देख रहे हो कि पत्थर वगैरह बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत अच्छी तरह से आपकी इमेज है वो निकल के आ सकती है। तो मेरे हिसाब से ये जगह बहुत ही बेस्ट है प्री वेडिंग फ़ोटो शूट के लिए, और अगर आप घूमने भी आ रहे हो तो भी ये जगह बहुत ही अच्छी है। टिचकिया से निकले थे और हम जा रहे थे माया देवी मंदिर। आप टिचकिया से जब निकलोगे और माया देवी मंदिर की तरफ जाओगे तो आई थिंक 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पे जो ये लोकेशन है, तो हमने यहाँ पे देखा तो हम ये ढूंढ रहे थे कि कहीं पानी जो बह रहा है ऐसा कोई लोकेशन हो, तो फाइनली हमें ये देखने को मिल गया है यहाँ पे लोकेशन। तो आपको दिखाने के लिए थोड़ा यहाँ पे आगे तो आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे बहुत अच्छी तरह से जो इसका यहाँ पे पानी बह रहा है, और बहुत ही यहाँ जगह भी बहुत अच्छी है, और फोटोशूट और वीडियो शूट भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से हो सकता है। अगर ड्रोन है आपके पास तो ड्रोन से आप शूट करना चाहते हो तो भी यहाँ कर सकते हो, और फोटोशूट भी करना चाहते हो तो भी ये बढ़िया कर सकते हो। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ यहाँ से, थोड़ा अंदर जाके थोड़ा व्यू दिखा देता हूँ कि वहाँ का लोकेशन, और आप पैसे देख रहे हो और यहाँ पे सारा जो यहाँ का लोकेशन है और वो बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रहा है। तो चलिए अंदर जाके दिखा देता हूँ मैं। इतना ही था, और अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर दबा देना ताकि अगली वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो आपको जरूर मिले। तो चलिए मिलते हैं ऐसी मजेदार न्यू वीडियो के साथ, तब तक थैंक यू एंड